फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल कमिटमेंट। आई एम अनु सेठ, स्किन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर। आज का टॉपिक, हाउ टू डू सेल्फ फेशियल, खुद से फेशियल कैसे किया जाए, ये मैं आज आपको सिखाऊंगी विद द फोर सिंपल स्टेप्स। तो बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं कि हम घर पर खुद से फेशियल कैसे करें, बिकॉज इस टाइम पर हमेशा अपने को सेफ रखना एक हमारे लिए चैलेंज है। और वैसे भी हम स्किल को कहते ना बहुत वैल्यू करने चाहिए। सो स्किल होने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है एंड ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बहुत आता है एंड उसके साथ साथ कन्वीनियंट बहुत होता है, जब चाहें तब एंड किसी का वेट नहीं करना पड़ता है, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं आप, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो मैं स्किल की बहुत वैल्यू करती हूँ और हमेशा आपको स्किल के बारे में बताती रहूँगी, एजुकेट करती रहूँगी। सो चलिए शुरू करते हैं, मैंने क्या चूज़ किया है। सेल्फ फेशियल मुझे बहुत पसंद है एंड मैं वीकली क्लीनअप भी करती हूँ, आपको सिखाऊंगी। सो ये मैंने चूज़ करी है लव नेचर की नरिशिंग फेशियल किट। दिस इज़ विद द गुडनेस ऑफ पाइनएप्पल, ऑर्गेनिक गुआराना एंड पपाया। सो ऑर्गेनिक होने से क्या सेंस होता है, मीन्स ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचर से डायरेक्ट सोर्सिंग करा गया है एंड इनका जो एक्सट्रैक्ट है बहुत ही प्योर है एंड नेचर को हार्म नहीं किया गया है, बिकॉज ये ओरिफ्लेम को बिलोंग करते हैं। ओरिफ्लेम एक 50 ईयर्स प्लस एक स्वीडिश कॉस्मेटिक कंपनी है जहाँ पर 100% नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, लोगों को खूबसूरत बनाया जाता है। लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन, हम सभी की लाइफ में आता है। सो मैंने लुक ग्रेट को बहुत बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया और आपके साथ शेयर करूंगी कैसे फेशियल करें। तो देखिए इसके अंदर है क्या क्या, चलिए मैं आपके साथ निकालती हूँ। सो पहला स्टेप है इसका क्लेंजर, जिसको फेस वॉश बोलते हैं। दिस इज लव नेचर नरिशिंग फेस वॉश। सो लव नेचर एक हमारी बायोडिग्रेडेबल रेंज है और इसको रिंस ऑफ करने में बहुत कम पानी का यूज़ होता है। यह नेचर के लिए बहुत ही सस्टेनेबल रेंज है, नेचर को प्रोटेक्ट करने वाली रेंज है, बिकॉज इसका पानी जो है वो हमारे एक्वेटिक एटमॉस्फेयर को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। देन द सेकेंड स्टेप विल बी द फेस स्क्रब, जिससे हम एक्सफोलिएट करेंगे डेड स्किन को। थर्ड स्टेप हमारी नरिशिंग मसाज क्रीम, जिससे कि हम उसमें मसाज के सिंपल स्टेप्स बताएंगे। एंड फोर्थ स्टेप फेस मास्क। सो जान लेते हैं फेशियल करना क्यों चाहिए और कितनी बार करना चाहिए, कैसे करें, हाउ शुड आई चूज द फेशियल किट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। फेशियल में मसाज कैसे करें, कितना ड्यूरेशन रखें, स्पीड क्या रखें। सो यस, स्किन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हुए आप अपनी कस्टमाइज फेशियल किट भी चूज़ कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके। या फिर मैंने एक टेलर्ड सॉल्यूशन लिया, मींस एक डिज़ाइंड एक फेशियल किट ले ली, जिसके अंदर चार स्टेप्स हैं, क्लेंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम एंड पैक। आइडली फेशियल करने में 40-45 मिनट्स लगते हैं एंड इतना ही देना चाहिए। सो अगर मैं क्लेंजर की बात करूँ तो 2 मिनट, स्क्रब की बात करूँ तो 2-3 मिनट, मसाज की बात करूँ तो 15-20 मिनट्स सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट है। एंड मास्क की बात करती हूँ तो ये करीबन 10-15 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं खुद से कैसे फेशियल करें, डू इट योर सेल्फ। लोगों को लग रहा होगा कि कितना कठिन है ये करना, बट मैं आपको इतना आसान बताऊंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया और क्यों नहीं मैंने पहले ट्राई किया। तो मेरे पास है मेरा हेडबैंड, एप्रन जिससे मेरे कपड़े स्पॉइल ना हो जाए, एंड साथ में मेरे पास है टॉल एंड साथ में मेरे पास है ब्रश, पानी, दैट्स इट, मेरे प्रोडक्ट्स, और मैं फ्री होनी चाहिए मेंटली।
सो बेटर होगा कि आप रात का टाइम चूज करिए, लेकिन अगर डे टाइम में भी करते हैं तो सनलाइट में जाना अवॉइड करिए, अगर अवॉइड हो सकता है तो करिए, एंड जाना भी है तो सनस्क्रीन फिर अप्लाई करेंगे, बिकॉज फेशियल करने के बाद हमारा स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाता है. सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है खास तौर. सो चलिए शुरू करती हूँ. सबसे पहले अपने बालों को आप टाई करेंगे. सो हेडबैंड हमने टाई कर लिया है और अब मैं एप्रन पहनूंगी. सो आपके पास अगर एप्रन है, हेडबैंड है, दैट्स फाइन इनफ. हेडबैंड जरूर हो कि बाल पीछे हो जाए, एंड एप्रन या फिर अपना कोई लूज ड्रेस आप पहन सकते हैं जिसमें अगर कुछ गिर भी जाए तो स्पॉइल ना हो, राइट. सो चलिए शुरू करते हैं. सो पहला स्टेप क्लेंजर. क्वांटिटी आप देख लीजिएगा, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने लिया. हमने इन्हीं फिंगर्स का यूज करना है. यहाँ हथेली का यानी इस पोर्शन का ये यूज होता है ज्यादा प्रेशर देने के लिए. तो इन फिंगर्स से 1, 2, 3, 4. सो ये प्रोसेस हम 1 से 2 मिनट करेंगे और इसको करने के बाद हम इसे क्लीन करेंगे. क्लेंजर एंड फेस वॉश में बहुत डिफरेंस होता है. ये आपके इनर डर्ट को भी क्लीन करता है. सो फेस वॉश से ये डिफरेंट होता है और मैंने अपने फेस वॉश को पहले ही डन कर लिया था सो दैट मैं फेशियल के स्टेप से क्लीन स्किन पर करूं. सो दिस इज डन. अब मेरा सेकेंड स्टेप आएगा स्क्रब, यानी कि जो मेरी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, निकालेगा, क्योंकि बहुत सारे डेड स्किन आपके स्किन पर जमा होती हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता है और जो भी आप स्किन केयर करना चाहते हैं वो पेनिट्रेट नहीं होता है. सो फेशियल करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, स्किन की कंडीशन इम्प्रूव होती है एंड साथ में इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव होती है. तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा स्क्रब लिया और ये बहुत ही इकोनॉमिकल सेट है. मिनिमम 15 आपके कहना चाहिए क्लीनअप्स एंड फेशियल मिला के हमारे हो जाते हैं. तो लाइए 10 क्लीनअप्स एंड 5 to 7 फेशियल्स वी कैन डू विद दिस. सो बहुत ही माइल्ड है एंड बहुत ही नाइस फ्रेग्रेंस है बिकॉज इट इज विद द गुडनेस ऑफ पपाया, गुआराना एंड पाइनएप्पल. ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं, रिफ्रेशिंग होते हैं. सो ये मैं देखिए इसमें मैं फिंगर को राउंड राउंड कर रही हूँ एंड पानी का बहुत यूज कर रही हूँ बिकॉज स्क्रब को यूज करते टाइम आप बिना पानी के मत यूज करिएगा, उससे स्किन में रैशेज हो जाते हैं. एंड जो आपका जो स्पीड है वो बहुत ही हाफ से भी कम होना चाहिए. सो ये गोल गोल सर्कल्स के थ्रू पानी लेते हुए आपको अपने पूरे फेस पर इस तरीके से स्क्रब की हेल्प से डेड स्किन को रिमूव करना है. जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो होगा, आप बहुत स्पीड से स्क्रब को यूज नहीं करेंगे. लेट्स से आपकी फुल स्पीड 100 है तो स्क्रब यूज करते वक्त आपकी स्पीड 30 या 40 होगी. सो यू कैन अंडरस्टैंड मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ. जस्ट मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ जिसमें आपका हाथ हल्का हल्का मूव करेगा. सो नॉर्मल स्किन के लोगों को 2 से 3 मिनट सफिशिएंट है और जिनकी ऑयली या सेंसिटिव स्किन है उनको 1 से 1 मिनट to 1.5 इज सफिशिएंट. बिकॉज हीट जो है ना बहुत प्रोड्यूस होती है जब हम मसाज करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्किन हीट अप ना हो. सो जिनकी भी ऑयली स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है वो अगर समर सीजन है तो ठंडा पानी यूज करेंगे, अच्छा चिल्ड वाटर यूज कर सकते हैं जिससे हीट अप ना हो फेस आपका बहुत ज्यादा. सो अब हम स्क्रब को रिमूव करेंगे. फेस को पोंछने के बाद जब आप वाइप कर लेंगे उसके बाद
आपको फेस की थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, बिकॉज स्क्रब के पार्टिकल्स अगर फेस में रह जाते हैं तो मसाज करते वक्त वो आपको इरिटेट कर सकते हैं। सो मेरा मसाज बहुत ही फ्लॉलेस हो, इसके लिए मैंने एक हल्की सी डस्टिंग करके सारे स्क्रब के पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया। मेरी स्किन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ब्रीथ कर रही है और मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है और रिलैक्सिंग बहुत लग रहा है। हालांकि मैं अपने आप कर रही हूँ, एंड फेशियल एक तरीके की पैम्परिंग भी होती है। लोगों को बड़ा कहते ना, उनका एकदम बड़ा खास दिन होता है, वो इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। सो डू इट योर सेल्फ में भी आप बहुत इंजॉय करेंगे, डिपेंडेंसी जो है वो बहुत कम हो जाएगी आपकी। सो थर्ड स्टेप, चलते हैं हम मसाज की तरफ। मसाज के मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी। मैं ये यूज कर रही हूँ मसाज क्रीम, इसको मैंने इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है, पानी में अपने हाथों को डिप किया। एंड नंबर वन, नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से हल्का प्रेशर लेंगे हम यहां पर और हल्का सा प्रेशर के साथ यहां पे प्रेस करेंगे। दिस इज अनदर न्यू स्टेप। मैं ऐसे आ रही हूं, स्किन को ऊपर लेके जा रही हूं ऑल टुगेदर। नाउ हम अपने हाथों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हमने अपने हाथों को इस तरीके से खोलना है, फिंगर्स को, और अपने फेस पे हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से प्रेस करते हुए एक फिंगर मेरे कानों के पीछे से जा रही है इस तरीके से और बाकी फिंगर फेस पे है। बेसिकली ये मेरे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रही है। प्रेशर पॉइंट्स के साथ मैं अपनी स्किन को लिफ्ट भी कर रही हूँ एंड इससे मेरी क्रीम भी अंदर तक पेनेट्रेट होगी, स्किन को डीपली नरिशमेंट मिलेगा। देन अगेन ये स्टेप, आईज को क्लोज करके आईज के चारों तरफ बहुत ही हल्के हाथ से मसाज करते हुए। नाउ अब हम इस पोर्शन की तरफ आएंगे जिसको कि हम हथेली बोलते हैं, पाम। ये फेशियल के स्टेप्स आपको बारी बारी से रिपीट करने हैं और 15 से 20 मिनट मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा की मसाज नहीं करनी है, बिकॉज ज्यादा मसाज करने से हमारी स्किन जो है वो एक्चुअली जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। फिर हमारे पे आपको स्किन पे रैशेस भी दिखेंगे या फिर स्किन में लूजिंग की तरफ बहुत चली जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि ज़्यादा फेशियल कराने से स्किन लूज हो जाती है, बट आई थिंक ऐसा नहीं है, एक तरीके का मिथ है। फेशियल जो है वंस इन अ मंथ ज़रूर करना चाहिए, एंड अगर आप वीक में एक बारी क्लीन अप करते हैं जिसको हम मिनी फेशियल कहते हैं, जिसमें मैं ये चारों स्टेप्स लेती हूँ लेकिन उनका ड्यूरेशन कम होता है। लाइक स्क्रब एंड क्लेंजर को ले लूँ तो हार्डली 3 मिनट्स, एंड मसाज को ले लूँ तो 5 to 7 मिनट्स, एंड मास्क ले लूँ तो 7 मिनट्स। तो 7 and 7 14 and 5, यानी 19-20 मिनट्स में मेरा क्लीन अप डन हो जाता है, यानी हाफ ऑफ द टाइम वी स्पेंड ऑन द सेम प्रोसेस, राइट। सो मैंने इस तरीके से ये डन कर लिया है। ये सारे स्टेप्स को आपको 15 to 20 मिनट्स करना है। इसके बाद आपने अपने फेस पर आइस लगानी है। सो 15-20 मिनट्स की मसाज के बाद आपने अपने स्किन को कंडीशनिंग करनी है। वो कैसे करेंगे? आइस से, अगर आपका गर्मी का वेदर है या ह्यूमिड का वेदर है, और अगर विंटर्स हैं तो इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, यानी कि आपको हॉट वाटर के साथ, बहुत ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए बट हॉट कंप्रेशन लेना है। So, उसके लिए करना क्या होगा, एक टॉवल लेंगे और हॉट वाटर में डिप करके थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे और अपने फेस पे ऐसे ले जाके पूरा प्रेस करेंगे कस, राइट। सो उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो, चूंकि समर्स का टाइम है और इनफैक्ट ह्यूमिड वेदर है, तो हम अपनी स्किन को जितनी ठंडक दे सके उतना अच्छा। सो मैंने दो आइस क्यूब्स लिए हुए हैं,
पूरे फेस पे आपको इस तरीके से आइस क्यूब रब करना है, बहुत ज्यादा नहीं रब करना है। एंड आपने टॉवल लेना है, जस्ट प्रेस कर, जो क्रीम है उसको वाइप नहीं करना है, उसको हटाना नहीं है, हमने सिर्फ प्रेस करना है। और अब मुझे बहुत ठंडक लग रही है फेस में और मुझे बहुत फ्रेशनेस लग रही है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा मास्क, फेस मास्क। इसको मैं कैसे अप्लाई करूं? इसको बहुत सिंपल है, आपको इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को आपने देखा होगा, मैंने इस तरफ नहीं लिया, उसका रीजन है कि प्रोडक्ट यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है और जो पहुंचना चाहिए एक्चुअली स्किन में वो नहीं होता है। सो मैंने ये मास्क ब्रश लिया है, इसको मैं थोड़ा सा वेट करूंगी और वेट करने के बाद मैं इस मास्क को लूंगी और जैसे आप पेंटिंग करते हैं उसी तरीके से आपने ये क्रीम मास्क है इस तरीके से पूरे फेस पे लगा लेना है एंड एक लेवलिंग कर लेनी है, लेवल कर लेना है। सो लीव इट लाइक दिस एंड वेट फॉर 10 to 15 minutes। उस दौरान आप किचन में नहीं जाएंगे, आप बातें नहीं करेंगे किसी से और रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। एंड 10 to 15 minutes के बाद आप इसे रिमूव करेंगे। सो अब 15 minutes हो चुके हैं और दिस इज द टाइम कि मैं अपने फेशियल के इफेक्ट को देखूं। आई होप आप सब भी देखने के लिए बहुत बहुत ईगर होंगे, एक्साइटेड होंगे कि वाकई में ये फेशियल इफेक्टिव है या नहीं। सो रिव्यूज आप ही मुझे देंगे कि स्किन पे इफेक्टिव है या नहीं। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें मास्क रिमूव करना है। तो वही सिंपल स्टेप जब हम जिस तरीके से मसाज करते हैं, तो हमने हाथों को पानी में डिप करेंगे एंड जैसे हम मसाज करते हैं सेम वे में, बिकॉज क्रीम मास्क कभी भी ओवर ड्राई नहीं होगा, तो आपने पानी के साथ मसाज करनी है, देन आइस क्यूब के साथ भी। सो यस, नाउ यू कैन सी कि मेरा फेशियल डन हो गया है। मैंने 4 simple steps फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहला स्टेप मैंने फेस वॉश क्लेंजर जिसने मेरी स्किन को क्लीन किया वो यूज किया। सेकेंड स्टेप मैंने डेड स्किन को रिमूव किया फेस स्क्रब की हेल्प से। थर्ड स्टेप में मैंने नरिशिंग फेस क्रीम से मसाज करी जिससे मेरे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प हुई और मेरा फेशियल स्किन बहुत ही मुझे टाइटनिंग फील हो रहा है। और साथ में मैंने लास्ट में फेस मास्क लगाकर अपनी स्किन को रिजनरेट। सो ये 4 simple steps में मेरे अमेजिंग फेशियल डन हो गए एंड सच अ ब्यूटिफुल किट। एंड लव नेचर, नेचर से करिए प्यार एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन पर यूज करिए एंड ब्यूटिफुल दिखिए। होप आपको ये इफेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। सो मैं अब अपना हेडबैंड रिमूव करके आपको साथ शेयर करती हूँ। सो नाउ यू कैन सी मुझे मेरा स्किन बहुत टाइट लग रहा है और बहुत ही मुझे रिफ्रेशिंग फील हो रहा है और ब्रीथ कर रही है स्किन प्रॉपरली एंड बहुत ही गुड फील हो रहा है। सबसे ज़्यादा गुड फील तो ये कि मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, मैं स्किल्ड हो गई, मेरे को करना आ गया फेशियल जिसके लिए मुझे एक पार्लर के एक्सपर्ट की ज़रूरत थी। सो पैम्परिंग ऑलवेज अच्छी होती है बट समटाइम्स हमें क्विक सोल्यूशन चाहिए रहता है, हमें किसी पार्टी में जाना है या रेडी होना है, सो हमें फेशियल कराने की ज़रूरत होती है। सो फेशियल इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंने जो आपको फेशियल के स्टेप्स बताए हैं आप उसे ज़रूर फॉलो करिएगा एंड अगर आपको कुछ और भी मेरे से जानना हो तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है लिंक जहाँ पर जाकर आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट को चूज कर सकते। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू।